मैंने आज कल जब मुझे खबर लगी आ रहा है, सुबह खबर लगी कि आ ही रहा है, तो मैंने सुबह तुरंत प्रधानमंत्री जी को लिखा और याद दिलाया। तब वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, ये तब की बात है 96 की। तो मैंने उनको पूरा याद दिलाया सदन का घटनाक्रम और उनको कहा कि मैं आपको कई बार कैबिनेट में ये बात कह चुकी हूँ, क्योंकि कैबिनेट में भी महिला जो कैबिनेट मिनिस्टर थी वो कहती थी कि आप इसको ले आइए, तो मैं तुरंत कह देती थी प्रधानमंत्री जी ओबीसी वाले फैक्टर को अंदर करके ही इसको लाना ठीक रहेगा। तो मैंने उनको आज चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री कार्यालय से पुष्टि हो गई कि प्रधानमंत्री जी तक चिट्ठी पहुंच गई। तो मुझे यकीन रहा कि ओबीसी का प्रोविज़न उसमें है, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को यह भी बताया था कि अगर इसमें ओबीसी का प्रोविज़न नहीं होगा तो मैं इसको सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहूँगी। इसलिए मैं इंतज़ार कर रही थी कि शायद कुछ प्रोविज़न की बात इसमें हो, अब नहीं है तो मैं इस बात को कह रही हूँ। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में और स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए विशेष प्रोविज़न है। तो जब ये एक विशेष आरक्षण हो रहा है, एक विशेष व्यवस्था हो रही है महिलाओं के लिए, तो उसमें ये प्रोविज़न हो सकता है। अब इसमें ओबीसी महिलाएं पीछे छूट जाएंगी, उनका हक छीनना ठीक नहीं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके पक्ष में बोला, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी ने उस समय पर मेरे को बहुत डांट पिलाई थी, और बीजेपी कांग्रेस और वामपंथी सब एक थे कि बिल को पास करो और निर्विरोध पास करो, और मुझे इसके लिए अपराधी माना गया 15 साल तक कि मेरी वजह से वो बिल निर्विरोध पारित नहीं हो पाया। तब कांग्रेस भी इसमें शामिल थी कि कोई ओबीसी आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। आज पता नहीं क्यों कांग्रेस ने अपनी रंगत बदल ली और अपना कलर बदल लिया, लेकिन मैं आज भी इस मत की हूँ कि अगर इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का प्रोविज़न नहीं होता तो ये बिल अधूरा रहेगा। पिछड़ों के हक की बात करना हमारा अधिकार नहीं रहेगा और पिछड़े लोगों का जो हम पर भरोसा है वो टूट जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े वर्गों से आते हैं, इससे महिलाओं को कैसे संतुष्टि होगी? और जाति का संवेदनाओं से संबंध नहीं होता, अगर जाति का संवेदनाओं से संबंध होता तो महात्मा गांधी जी ने ही सबसे ज़्यादा दलितों के हितों की बात कही थी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर ही किसी ने दलितों के हित की बात कही थी तो वो उस व्यक्ति ने कही थी जो स्वयं दलित नहीं था। इसलिए संवेदनाओं का जाति से संबंध नहीं होता और संवेदनाओं से जातियों की संतुष्टि भी नहीं होती। ज़रूरी होता है कि उनको हक मिले, उनको अधिकार मिले। मध्य प्रदेश में भी मैं शिवराज जी को अब कहने ही वाली हूँ, तो ठीक है दिल्ली में जो हो गया इसके खिलाफ अभी बात चलेगी, अभी अभियान चलेगा अभी आज से, लेकिन मध्य प्रदेश में जब आपने 50% आरक्षण की बात कही है तो दीजिए, और इस 50% आरक्षण में आप आधा हिस्सा निकालिए पहले बाहर, और उसमें ST SC और OBC महिलाओं का प्रोविज़न करके विधानसभा की सीटों को आप तय कर लीजिए, पहले पार्टी के लेवल पर तय कर लीजिए और दिखाइए, पहले अपनी पार्टी का चरित्र दिखाइए, उसका करेक्टर दिखाइए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि तुरंत आरक्षण लागू करने की व्यवस्था हो, मन के अंदर अगर ये बात होगी तो ये हो भी सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे भारत का नाभिकीय केंद्र है, मध्य में है, यहाँ से ये बात शुरू होनी चाहिए और OBC महिलाओं को यहाँ विधानसभा में 50% सीटें महिलाओं को मिलनी चाहिए, और उसमें ST SC और OBC का जो हिस्सा है वो 50% होना चाहिए, और उस 50% में भी जिस प्रकार की हिस्सेदारी संवैधानिक व्यवस्था में है वैसी होनी चाहिए। और इसमें जो मुस्लिम तबके की वो महिलाएं जो मंडल कमीशन में चिन्हित हो गए हैं मुस्लिम तबके पिछड़े वर्ग के तौर पर, जैसे सब्जी बेचने वाले हैं और अन्य जो मुस्लिम समाज के जो अति गरीब परिवारों के लोग हैं वो उसमें चिन्हित हो गए हैं, तो उनके परिवारों की महिलाओं को भी उसमें स्थान दिया जा सकता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से मैंने बहुत आग्रह किया है उस पत्र में, वो पत्र मैं आज आपके बीच में बांट रही हूँ, और मैंने हमेशा पार्टी के प्लेटफॉर्म से उठाया और इसको पार्टी ने कभी मेरी बगावत नहीं माना, बल्कि अटल जी ने मेरी भावनाओं का बहुत सम्मान किया, क्योंकि मैंने अटल जी को, मैं अंत में ख़त्म कर रही हूँ आपके सवालों के लिए, मैंने ये कहा था कि आपकी 13 दिन की सरकार बन के रह गई, इसलिए तो देवगौड़ा जी की सरकार बनी, क्योंकि पिछड़ी जाति के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, वो आपका विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। अगर आपको उनका विश्वास और उनका भरोसा जीतना है तो आप पहले ये सुनिश्चित करिए कि आप उनके साथ हैं, क्योंकि जितनी पिछड़ी जातियों के लोग हैं ये हिंदुत्व विरोधी नेताओं के साथ जा रहे हैं, चाहे वो बिहार में हो और चाहे वो UP में हो। मैंने कहा जबकि वो सब हिंदुत्ववाद के लोग हैं, राष्ट्रवाद चिंतन के लोग हैं, लेकिन वो मजबूरी में हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर उनको कोई जगह नहीं मिल रही है, वो उनको लग रहा है कि हमारे यहाँ पर उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनका कोई स्थान हमारे यहाँ नहीं दिख रहा है, और इसलिए वो दूसरी जगह जा रहे हैं, जबकि विचारधारा से वो हमसे ज़्यादा हिंदुत्ववादी हैं पिछड़े। तो मैंने उनको कहा कि इसलिए मुझे ये बात कहने दीजिए, बोलने दीजिए, और ये बात मेरी USP बन गई, पार्टी की USP बन गई। यूपी में मुझे इसी बात पे घुमाया गया कि मंडल और कमंडल, राम और रोटी दोनों उमाने एक कर दिए हैं, बिहार में भी इसी बात पे घुमाया गया, और अद्भुत बात हुई कि इस बात में सारे लोग
इस बात पे एक रहे, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, और हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका था जो इस मामले में मेरे साथ बना रहा। तो मुझे खुशी है, गर्व है, अभिनंदन है कि महिलाओं का आरक्षण आ गया, लेकिन इस बात की कसक है कि इसमें ओबीसी महिलाएं वंचित हो गई और मैं इस अवसर को उनको लाभ नहीं मिल पाया, इसके लिए प्रयास जारी रखूं।